हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों, हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और हमने अपने 11 पैसेज कंप्लीट कर लिए थे। अब हम अगला ही पैसेज कर रहे हैं, पैसेज नंबर 12। तो बच्चों देखते हैं क्या कह रहा है पैसेज नंबर 12। फ्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर। तो पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैंने आपको बताया हुआ है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की जो डिपेंड्स करती है सिर्फ और सिर्फ अमाउंट पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, ना कि उसकी नेचर पर। ओके, अब कह रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इट इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इट इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। अब तुम्हें देखो इसमें यूज होंगे फॉर्मूले, एक तो ये याद रखोगे कितना हो जाएगा हमारे पास kb into m, ये हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का याद रखोगे m into kf। ये दो फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है ना बच्चों। चलो भाई पहले की ओर पढ़ते हैं, मोलालिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। अब मोलालिटी निकालनी है, मोलालिटी होती क्या है, मोलालिटी होती है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। मोल्स निकालने हैं तो मास दिया हुआ है 0.052/180 और हमारे पास सॉल्वेंट का मास दिया हुआ 80.2/1000। सही है, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5.2/18×80.2। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों तो ये अप्रोक्स आपका 0.0036 आएगा। एक बार कैलकुलेशन आप खुद देख लेना, तो 0.0036 इसकी मोलैरिटी आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया कि हमारे पास होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एम के बी, ये होता है, निकालते हैं डेल्टा टीबी। मोलालिटी आई थी 0.0036 और के बी की वैल्यू है 5.2। सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.0187 केल्विन, ठीक है ना। और अगर हमें निकालना है सॉल्यूशन का तो ये हो जाएगा, प्योर स्टेट में होता है 373 बॉइलिंग पॉइंट प्लस 0.187। आप इसको अप्रोक्स 373 कितना आ जाएगा, 373.2 भी ये लिख सकते हो, इतना चल जाएगा 373.02। ओके, तो ऑप्शन आपका हो जाता है सी। अब डिपर्शन पूछा है तो उसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एम के एफ। एम की वैल्यू थी 0.0036 और के एफ कितना था बच्चों, 1.86। अगर इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये अप्रोक्स आपका 0.067 केल्विन आता है। और सॉल्यूशन का निकालेंगे फ्रीज, वैसे तो जीरो होता है, जीरो मतलब हमारा होता है टू, हमसे पूछा गया है बस यही पूछा गया कि द डिपर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 0.067 कहीं है, हाँ जी है, ये 0.067 केल्विन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द गिवन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन हमें निकालने हैं, ठीक है। तो मोल्स ऑफ वाटर निकालते हैं सबसे पहले, तो मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास क्या होगा, मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास है मास कितना है 80.2 डिवाइड बाय 18, तो 18 × 4 = 72, ये आ जाएगा 4.45 के आसपास। मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, कितने मोल आए थे, किसके हमें निकालने पड़ेंगे, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के मोल भी निकाल लेते हैं। ग्लूकोज का जो मास है वो हमारे पास है बच्चों 0.052 ग्लूकोज का है और 180 इसका मोलर मास होता है। ओके, 180 डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्स पॉइंट, बहुत छोटा नंबर आएगा, 0.00028 के आसपास। तो पॉइंट तीन हमारे जीरो हैं, 28 अपॉन 4.45 0.28, इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो बच्चों बहुत ही छोटा नंबर आएगा, आप इसको एक बार डिवाइड कर आराम से, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, मोल्स ऑफ द बेंजीन, वो सॉरी ग्लूकोज अपॉन मोल ऑफ द वाटर प्लस मोल ऑफ द ग्लूकोज, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, तो 6.28 × 10^-5।
तो हमने क्या देखा इस पैसेज में कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड्स कर रही हैं किस पर, पहली वाली थी मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मोलल कंसंट्रेशन, और इस पर डिपेंड कर रही थी। दो फॉर्मूले हमने यूज़ करे, डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी इंटू एम, डेल्टा टी एफ इजिकल टू एम इंटू के। बाकी कुछ थी सिंपल कैलकुलेशंस थी, वो आप आसानी से कर सकते हो बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।